फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखते हैं आपको, सुनते कारों को समद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि क्रिस्टोफर नोलन जानी की मूवी है, और भाई ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्रिस्टोफर नोलन की रिसेंटली एक ही न्यू मूवी आई है टेनेट, हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसी की इनसाइट शेयर करेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर कोई ये मूवी देखने वाला था रिसेंटली या किसी की वॉच लिस्ट में है, तो हम उसको बोलेंगे चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर, क्योंकि हम इसकी इनसाइट शेयर करने वाले हैं। हियर इज द स्पॉइलर अलर्ट। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी ज्यादा इसकी इनसाइट्स शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जो है ना, इस फुल ऑफ सस्पेंस और थ्रिलर और सस्पेंस से भरी भी होती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सस्पेंस पूरा खाली नहीं करूं। तो इस मूवी को लेके एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको मैं ब्रेक करने वाला हूं। वो ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मूवी इंसेप्शन जैसी है। तो ये इंसेप्शन जैसी मूवी कहीं से भी नहीं है। माना दोनों मूवीज जो है वो क्रिस्टोफर नोलन की है, लेकिन ये इंसेप्शन से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। फिल्म का जेनर है साइंस फिक्शन थ्रिलर, और इसके अंदर जो बेसिक टॉपिक दिखाया है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सबका, कि ये जो इसमें रिवर्स ऑर्डर में चीजें हो रही होती हैं, तो इसमें एक फिजिकल टर्म यूज करी है, एक फिजिक्स की टर्म है एंट्रोपी, उसको यूज किया है। विच एंट्रोपी कहते हैं बेसिकली एक डिसऑर्डर को, रैंडमनेस, विच इज मेनली रिलेटेड टू क्लासिक थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अगर मैं इसको डिस्कस करने लगा तो मूवी एक तरफ रह जाएगी और साइंस स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई मेरी तरह के खोजी बच्चे हो जो जानना चाहते हो ये क्या चीज है, उनके लिए मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में व्हाट इज एंट्रोपी, और आगे हम डिस्कस करते हैं मूवी को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस मूवी का है, एंट्रोपी एक डिसऑर्डर है, टाइम रिवर्स हो रहा होता है, मतलब बुलेट्स जो है वो अनफायर हो रहे हैं, गाड़ी जो है वो बैक की तरफ ट्रेवल कर रही है, एक रैंडमनेस, एक डिसऑर्डर दिखा है, विच इज अ हाइपोथेटिकल थिंग, लेकिन उसको जिस तरीके से सिनेमेटाइज करा है, दैट इज ऑसम। तो मूवी में मेन लीड एक्टर जो है वो डेंजल वॉशिंगटन के बेटे जॉन डेविड वॉशिंगटन नजर आएंगे एज प्रोटैगनिस्ट, अ CIA एजेंट, और उसके साथ सपोर्टिंग एक्टर में हमारे जाने माने रॉबर्ट पैटिनसन एज हिज हैंडलर, उसका नाम नील दिखाया है, और हर एजेंट का एक हैंडलर होता है, तो रॉबर्ट पैटिनसन इज द हैंडलर ऑफ प्रोटैगनिस्ट। अच्छा, इस मूवी में एक बेहतरीन चीज ये है कि बॉलीवुड की एक वेटरन एक्ट्रेस डिंपल कापड़िया, वो भी इस मूवी में आपको नजर आएंगी एज प्रिया द आर्म्स ट्रैफिकर, और इस मूवी में पॉपुलर एक्टर आपको नजर आएंगे एरन टेलर जॉनसन एज आइव्स द मिलिट्री कमांडर। एरन टेलर जॉनसन को हमने देखा है रिसेंटली एवेंजर्स में एज क्विक सिल्वर, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, और गॉडज़िला 2014 में। एरन टेलर जॉनसन की जो एक्टिंग है वो अच्छी है, इतना ज्यादा रोल उनको नहीं दिया, लेकिन व्हाट आई लव अबाउट हिम इज हिज एक्सेंट, उसका जो एक्सेंट है इज जबरदस्त। इस मूवी की स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और प्लॉट में अगर थोड़ा सा इसका डिस्कस करूं तो प्रोटैगनिस्ट एक CIA ऑपरेटिव दिखाया है जो एक ऑपरेशन में हिस्सा लेता है कीव में यूक्रेन, और वहां पे ड्यूरिंग द ऑपरेशन एक वो देखता है सोल्जर ने बुलेट अनफायर करा, एक तो होता है फायर, उसने अनफायर करा, बुलेट निकलकर वापस गन में गया है, which was shocking for him. ये basically entropy दिखाई है. And later he found himself captured, और वहाँ पे वो cyanide capsule consume कर लेता है, लेकिन वो उसका सिर्फ एक test होता है, जो CIA उसका test ले रही होती है ये. और उसके बाद CIA agent protagonist एक organization join करता है, जो के CIA के under ही work करती है, Tenet, जिन्होंने recently इस entropy के ऊपर ही working कर रहे होते हैं, and they found कि एक arms dealer है, उसके साथ मिलकर entropy को ही use करते हुए future से एक weapon लाकर उसको पास्ट में यूज कर सकते हैं, जिससे पास्ट वाइप आउट हो जाएगा। तो एट फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट और उसका हैंडलर नील वो ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं जो अनफायर हो रहे हैं ये आए कहां से। वो उनको लीड लेके जाती है मुंबई में प्रिया के पास, डिंपल कापड़िया के पास, जो कि एक आर्म्ड ट्रैफिकर है। प्रिया के पास से उनको लीड मिलती है कि जो मेन कॉन्विक्ट है इस पूरे एंट्रोपी गेम में वो सैटर है, एंड द रेस्ट इज मूवी इज फॉलोइंग हिम। बस यहां तक मैं प्लॉट को एंड करता हूं, इससे आगे आप लोगों ने देखना है। मूवी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है, जिस तरीके से क्रिस्टोफर नोलन की मूवी होती है, लेकिन एंड में जाकर थोड़ी सी इमोशनल है, मैं वो चीज ब्रेक नहीं करूंगा। एंड में जाकर मूवी थोड़ी सी इमोशनल हुई है रॉबर्ट पैटिनसन को लेके, और वो आखिर का जो सीन है उसको मिस मत कीजिएगा, वो बहुत जबरदस्त है। मूवी के एंड में एक अनटोल्ड मिस्ट्री छोड़ी है, जिसकी वजह से ना पूरी जब तक मैं ये मूवी देख रहा था ना, तो मेरे जहन में था मैं इसको 10 out of 7 दूंगा, लेकिन वो आखिरी वाले इमोशनल सीन देखने के बाद में मैं बोलता हूँ इसको 10 out of 8.5 तो मिलने चाहिए यार इस मूवी को। $200 million से बनने वाली इस मूवी ने $362 million सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे हिट करे, और वो भी कोविड पेंडेमिक की वजह से ये मूवी बहुत मुतासर हुई, नहीं तो यार ये $1 billion मूवी है। रोटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग है 70% पे फ्रेश है, और 7.6 इसको रेटिंग है IMDb पे। ये मूवी बहुत
बिजनेस कर सकती थी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर सकी। और अब तक की जो क्रिस्टोफर नोलैन की जो मूवीज हैं, इंटरस्टेलर है, इंसेप्शन है, द डार्क नाइट की जो ट्रायोलॉजी है बैटमैन की वो है, उन सब में अभी ये सबसे आगे नहीं निकल सकी। अब तक जो क्रिस्टोफर नोलैन की मैंने मूवीज देखी है ना, उसमें सबसे जो कहते हैं ना दिमाग को लगने वाली मूवी वो इंसेप्शन है अभी तक। जब इंसेप्शन मूवी आई तो अभी हम हैं 29 साल के, 10 साल पहले आई उस वक्त थे 19 साल के, तो उस वक्त तो जिस टाइम जितना ब्रेन अभी उस टाइम पे उतना था नहीं, तो वो मूवी मुझे दो दफा देखनी पड़ी थी, फिर उसके बाद जाके कुछ पल्ले पड़ी थी। So this is it. Thanks for watching. अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो अपनी राय से कमेंट्स में लोगों को जरूर आगाह करें, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। It's one of the good movies of Christopher Nolan. मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन हाँ इट्स अ गुड मूवी। अपना ख्याल रखिएगा, वो जो लाल वाला बटन है उस पर एंट्रोपी करते हुए पीछे लेके जाएं, और जब मेरा जीरो सब्सक्राइबर था ना तब जाके सब्सक्राइब का बटन हिट करें, ताकि आप मेरे बन जाए चैनल के नंबर 1 पहले सब्सक्राइबर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।